अब रिव्यू करते हैं शॉर्टकट रोमियो को। शॉर्टकट रोमियो कहानी है सूरज की यानी नील नितिन मुकेश की, जो लाइफ में शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक दिन वो मुंबई में एक लड़की और लड़के को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लेते हैं एंड वीडियो से शूट कर लेते हैं। उसके बाद मालूम चलता है कि लड़की यानी अमीषा पटेल दैट इज मोनिका, हर स्क्रीन नेम इज मोनिका, एंड लड़का आशीष दैट इज जतिन ग्रेवाल आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मोनिका यानी अमीषा पटेल को डर लगता है कि अगर ये वीडियो टेप किसी भी तरह उनके हस्बैंड राहुल यानी एक्टर राजेश श्रृंगारपुरे के हाथों लग गई तो फिर मुसीबत खड़ी हो सकती है। एंड सूरज दैट इज नील नितिन मुकेश एक्सप्लॉइट्स दिस सिचुएशन एंड वो अमीषा पटेल को ब्लैकमेल करते रहते हैं, यहां तक कि अमीषा पटेल को फोर्स करते हैं कि उन्हें लाइफ लॉन्ग लग्जरी में रखे। मोनिका यानी अमीषा पटेल सूरज यानी नील नितिन मुकेश को खुश रखने के लिए उन्हें केनिया एक हॉलिडे पर भेजती है अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। एंड केनिया में सूरज की मुलाकात होती है शेरी से, शेरी दैट इज पूजा गुप्ता से, एंड दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। बट देन धीरे धीरे सूरज को पता चलता है कि मोनिका इतनी सिंपल नहीं है, इतनी सीधी नहीं है, एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की है जिसकी वजह से जो चीजें उन्हें नजर आ रही है वो जरूरी नहीं है कि वो वही हो। एक्चुअली ये वन अपमैनशिप का गेम सूरज और मोनिका के बीच में चलते रहता है। कभी सूरज का पलड़ा भारी होता है तो कभी मोनिका का पलड़ा। तो अंत में क्या होता है, क्या सूरज मोनिका को वो वीडियो टेप दे देते हैं, क्या मोनिका अपने हस्बैंड से वो वीडियो टेप बचा पाती है, या फिर उनके हस्बैंड यानी राहुल को मोनिका के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल जाता है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन द क्लाइमैक्स एंड द प्री क्लाइमैक्स। इस फिल्म की कहानी काफी बचकानी है एंड नथिंग रियली इंप्रेसेस द ऑडियंस। एक्चुअली जो वन अपमैनशिप का गेम चल रहा है बिटवीन अमीषा पटेल एंड नील नितिन मुकेश वो बहुत ही चाइल्डिश लगता है और ऐसे लगता है कि नथिंग वेरी सीरियस हैज हैपेंड। इन फैक्ट नील नितिन मुकेश हैज शॉट अ वीडियो ऑफ अमीषा पटेल इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन विद अनदर बॉय रादर देन हर हस्बैंड, और इसलिए इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी सीरियस थिंग। लेकिन जो वन अपमैनशिप की गेम खेली जाती है इन दोनों के बीच में, ऐसे लगता है बहुत ही छोटी बात है। सो नथिंग रियली मेक्स टू मच सेंस फॉर द ऑडियंस, एंड एंटरटेनमेंट के नाम पर जो ऑफर किया गया है वो एक्चुअली ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है। परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही ऑर्डिनरी है। नील नितिन मुकेश हार्डली इंप्रेसेस, अमीषा पटेल इन अ नेगेटिव रोल इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, पूजा गुप्ता इज ऑल राइट, राजेश श्रृंगारपुरे, जतिन ग्रेवाल एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट वेल दे जस्ट अबाउट एड ऑर्डिनरी सपोर्ट, लेंड ऑर्डिनरी सपोर्ट। सुसी गणेश का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो नथिंग टू शाउट अबाउट। गानों में भी जो दम होना चाहिए वो नहीं है। हां पे 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 वाला गाना अच्छा है एंड इट्स कोरियोग्राफी इज रियली वेरी गुड, जिसकी वजह से गाना स्क्रीन पर देखने में लोगों को मजा आता है। सिनेमाटोग्राफी एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर जस्ट अबाउट ओके। ओवरऑल शॉर्टकट रोमियो में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से वो बॉक्स ऑफिस पर चल पाए, एंड देयरफॉर इट विल रिमेन मोर ऑफ अ नॉन स्टार्टर। और आज जो तीसरी फिल्म रिलीज हुई है एनिमी, उसकी भी ओपनिंग कमजोर है। द स्टोरी हैज नथिंग टू ऑफर, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, एंड इट विल ऑल्सो नॉट फेयर वेल एट द बॉक्स ऑफिस।